इस वक्त हम हैं प्रयागराज के नए जमुना ब्रिज पर, जिसे नैनी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यूं तो प्रयागराज कई चीजों के लिए मशहूर है, फिर चाहे वो यहाँ के लाल अमरूद हो या फिर तीन नदियों का संगम। लेकिन आज हम जा रहे हैं नैनी के मड़कैनी गांव, जहाँ हमारी मुलाकात होगी किसान राजू लाल पटेल से, जो करते हैं गुलाब की खेती, और बताएंगे हमें गुलाब की खेती से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। तो चलिए चलते हैं। गुलाब का फूल भले ही कांटों से घिरा रहता हो, लेकिन इसे आज भी प्रेम का ही प्रतीक माना जाता है। सभी फूलों में गुलाब के फूलों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, और यही कारण है कि अब काफी किसानों ने गुलाब की खेती करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं नैनी के मड़ौका गांव में, जहां किसान राजू लाल पटेल करते हैं गुलाब की खेती। आध्यात्मिक नगरी प्रयाग में हर दिन हजारों कुंतल फूलों की खपत हो जाती है। नैनी से महज 10 किलोमीटर दूर महेवा फूलों की खेती में अपनी अलग पहचान बना चुका है। जी हां, ये मानना है नैनी के आसपास रह रहे किसानों का प्रयागराज में हर साल लगने वाले माघ मेले में इसकी खूब खपत रहती है। गुलाब के फूल का जितना उपयोग सुंदरता दिखाने के लिए किया जाता है, उससे कहीं ज्यादा औषधियां बनाने में किया जाता है। नैनी महेवा के मड़कैनी गांव के रहने वाले राजू लाल पटेल 15 वर्ष से गुलाब की खेती कर रहे हैं। पहले ये सब्जियों और फलों की खेती करते थे, लेकिन उतना मुनाफा नहीं हो पाता था। तब इन्होंने 10 बिस्वा में गुलाब लगाया और इसका काफी अच्छा परिणाम उनको देखने को मिला। कई ग्रामीण किसान गुलाब की खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला रहे हैं। मैं राजूलाल पटेल हूँ, मड़ौका का रहने वाला हूँ। मैं 15 वर्ष से गुलाब की खेती करता हूँ। इसके पहले सब्जियाँ की खेती करता था, अमरूद की खेती किया हूँ, पपीते की खेती किया हूँ। जो प्रॉफिट उसमें नहीं हुआ, गुलाब खेती करने में जो प्रॉफिट हुआ है, पहले नहीं होता था। पूरे साल पेमेंट डेली आता है, जैसे मार्केट रहता है उस हिसाब से बिक्री होती है, उस हिसाब से प्रॉफिट होता है। गुलाब का पौधा मुख्य रूप से 4 या 5 फीट तक लंबा होता है, जिसके फूल वाले भाग को छोड़कर टहनी और तना दोनों पर कांटे दिखाई देते हैं। गुलाब की खेती के लिए भूमि का चुनाव करना सबसे अहम बात होती है। इसकी खेती के लिए हम जिस भूमि का चयन करते हैं, वहाँ पानी की सुविधा होना काफी जरूरी होता है। साथ ही इस चीज का भी खासा ध्यान रखना चाहिए कि बरसात के समय वहाँ पानी का भराव ना होता हो, क्योंकि ऐसा होने से पौधे के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा भूमि के चयन के समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि खेती वाली जमीन पर सूर्य का प्रकाश पौधों और फूलों को मिल रहा हो, नहीं तो फूल जल्दी खराब हो जाएंगे और अच्छे से बड़े भी नहीं हो पाएंगे। हम लोग पहले ट्रैक्टर बुला के जो है जुताई कराते हैं, जुताई करा करके फिर उसमें पानी लगा देते हैं। पानी लगाने के बाद एक हफ्ते बाद फिर से जुताई कराते हैं। जुताई कराने के बाद जो है
फावड़ा से इसको गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोद करके उसमें कलम लगाते हैं। कलम लगाने के एक हफ्ते बाद पानी भर दिया जाता है पूरे खेत में। 20 दिन के अंदर अंदर कम से कम 3 पानी कंटिन्यू दे दिया जाता है ताकि कलम बेकार न जाए, सभी कलम कायदे से निकल आए। गुलाब की खेती सभी तरह की मिट्टी में हो सकती है, हालांकि दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी गई है। मिट्टी का पीएच लगभग 5.5 से 6.5 तक होना चाहिए। इस खेती के लिए मिट्टी की ऊपरी सतह ज्यादा कठोर नहीं होनी चाहिए। गुलाब की खेती के लिए खेत की अच्छे से सफाई करा के उसकी जुताई करा देनी चाहिए और फिर 15 से 20 दिनों के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य का प्रकाश और तपन जमीन के अंदर तक पहुंच जाती है। कलम लगाने के बाद जो है जैसे दीमक नीचे लग जाता है, उसके लिए गड्ढे खोदने के बाद दवा डाल देते हैं। दवा डालने से जो है उसमें दीमक नहीं लगता है, कलम बेकार नहीं जाता है। उपटा रोग भी होता है, उसके लिए जो है तो पानी लगाते समय कुछ दवाइयाँ डाल दिया जाता है, उससे पूरे खेत में फैल जाता है ताकि जो है तो वो कलम पे कोई असर न आए। किसान भाइयों को जो पुरानी पौध हो जाए एक साल के बाद, दूसरे साल के बाद, तो एक बार लगाने के बाद किसान भाई उसे 10 साल तक गुलाब लेते रहते हैं। इसका जो तरीका है वो कि एक साल के बाद दूसरे साल उसकी टहनियों को काट देना चाहिए जिससे उसमें नई टहनियाँ आ सकें। ये देसी गुलाब के साथ इसको करते रहना चाहिए तो उससे अधिक उत्पादन मिलेगा। इसमें जो कभी कभी उपथा का रोग आ जाता है और कुछ फफूंदी लग जाती हैं, उपथा से बचाव के लिए किसान भाइयों को जब गोबर की खाद लगा करके उसके गड्ढे में भराई करें उसी समय उसमें ट्राइकोडर्मा उस गोबर की खाद में मिला दें तो उससे उपथा की समस्या का समाधान हो जाएगा। और कुछ फफूंदी नाशक दवाओं का छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं, उससे जो है उसे फफूंदी नाशक दवाओं से उनकी जो गुलाब में फफूंदियाँ वगैरह लग रही हैं उससे भी उनका बचाव हो सकेगा, जिससे एक स्वस्थ, अच्छा और अधिक उत्पादन वाला पौधा उन्हें प्राप्त हो सकेगा जिससे अधिक लाभ प्राप्त हो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 तक। किसान राजू लाल पटेल बताते हैं कि गुलाब की खेत की 3-4 बार जुताई करने के बाद गोबर का सड़ा हुआ देसी खाद खेतों में डाल देना चाहिए। इसके अलावा सुपर फॉस्फेट और क्लोरोपाइरोफॉस का भी छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद पुनः जुताई करके खेत में उचित लंबाई की क्यारियां बनाकर उसमें पानी भर देना चाहिए। किसी भी तरह की फसल में मुनाफा प्राप्त करने के लिए उसे समय पर लगाना जरूरी होता है। पौधे को भूमि से लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर की ओर लगाना चाहिए। पौधे की रुपाई करने के पश्चात तुरंत बाद ही सिंचाई कर देनी चाहिए। गुलाब की खेती की सिंचाई जो है गर्मी में जो है तो एक महीने में कम से कम 5-8 पानी जरूर लगते हैं। जमीन ज़्यादा जो है तो टाइट हो जाती है, इसलिए पानी जो है तो 4-5 के अंतराल में ज़रूर दिया जाता है। इसकी गुणाई जो है 3 महीने में गुणाई किया जाता है, उसमें खाद रखा जाता है और निराई इसकी जो है तो हर महीने की जाती है ताकि जो है तो खरपतवार ना होने पाए, उसको रहने से गुलाब खेती पे असर पड़ता है, वो ताकत ज़्यादा खींचते हैं।
इसलिए जो है तो उसको हर महीने जो है तो निराई करके जो भी घास घुआ रहते हैं उसको निकाल दिया जाता है। और खाद भराई जो है तो 3 माह में जो है इसको गड्ढा बना करके DAP है और जाइम वगैरह मिला करके रख देते हैं, उसको भराई कर देते हैं। जब पौधे को खेतों में लगाएं तो उसकी सिंचाई तुरंत कर देनी चाहिए, लेकिन पानी का भराव खेतों में ना होने दें, सिर्फ नमी बनी रहे। गर्मियों के दिनों में 4 से 5 बार सिंचाई करनी चाहिए। 1.5 महीने का है ये पौधा, इसमें जो है तो कुछ रोग लग जाते हैं, जैसे उपटा रोग है, लुटुरा रोग भी लग जाता है, फफूंदी रोग है। ये सर जो है तो ये फफूंदी रोग है, ये काला पड़ गया, ये गुलाब अब इसमें स्वस्थ नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा जो है तो खिलेगा उसके बाद झड़ जाएगा। ये सफ़ेद, ये सब रोगी का असर है सर। इसमें जो है तो ये भी रोग है। इस सब को रोकने के लिए हम लोग दवा डालते रहते हैं। महीने में मौसम ठंडा आ गया तो महीने में पड़ता है, नहीं गर्मी जैसे जाता है तो हफ्ते में दवा डालना पड़ता है। दवा ना डालें तो इसी तरह रोग सर ये लग जाता है, ये पतझड़ होने लगती है तो डंडी डंडी इसे खड़ी रहती है। जब डंडी डंडी खड़ी रहती है उसमें कल्ला नहीं निकलता है, कल्ला नहीं निकलता है तो विकास रुक जाता है, विकास रुक जाता है तो खेती सब नष्ट होने लगती है। इसलिए दवा हम लोग बराबर कंटिन्यू डालते रहते हैं ताकि ये स्वस्थ है, इसी तरह खूब बढ़िया बना रहता है। दवा डालने का असर ये है, दवा डालने से हमारे लोग को खेती में जो है तो फायदा होता है। किसान भाई दो तरह के गुलाब की खेती करते हैं, एक तो देसी गुलाब जो सामान्य रूप से माला और इन चीज़ों के लिए खेती करते हैं, उसका माला वगैरह बनाते हैं, दूसरा कट फ्लावर के रूप में जो आपके गुलदस्ते और इन चीज़ों में बन करके आते हैं। कट फ्लावर का जो पैसा है वो अधिक मिलता है, लेकिन उसकी देखरेख भी बहुत आवश्यक है, उसकी सही कलम बनना चाहिए और सही समय पर उसको लगाना चाहिए, और जो कलम के अलावा जो डाल आए उनको कटाई करनी चाहिए, तो इसमें तो ये एक सावधानी। दूसरी बात है जो देसी गुलाब की बात है, देसी गुलाब में बहुत अधिक देखरेख की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी जो समय समय पे उसकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग करनी चाहिए। एक बार गुलाब को लगा करके कई सालों तक किसान भाई उससे फूल लेते रहते हैं। किसान राजू लाल पटेल का मानना है कि उत्तम किस्म के फूल लेने के लिए सिंचाई के समय उचित मात्रा में उर्वरक पौधों को देना चाहिए, जिसमें नीम की खाद और हड्डी का चूरा पौधों को देने पर काफी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा यूरिया, फॉस्फेट और पोटाश भी उचित मात्रा में देने पर पैदावार में काफी फर्क देखने को मिलता है। पौधे की निराई गुड़ाई के संबंध में इनका मानना है कि अच्छी पैदावार के लिए निराई गुड़ाई बहुत जरूरी है, इसे नवंबर के बाद शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान कलम में से शाखाएं सबसे ज्यादा बनती हैं। निराई करने से हवा उचित मात्रा में पौधों को मिल जाती है, जिससे पौधे का विकास और भी अच्छे से होता है। एक पेड़ से 20 शाखाएं से लेकर के जो है तो 30-35 शाखाएं निकलती हैं, और प्रति शाखाएं में तकरीबन 40 से 50 कली बनते हैं, और हर शाखाओं से जो है तो इस तरह मिलाकर कम से कम 1000 फूल खिल जाते हैं। साधारण मंडी में प्रति नग गुलाब की बिक्री 3 रुपए से 5 रुपए होती है, वहीं खुदरा मार्केट में प्रति नग 10 रुपए होती है। अगर 400 रुपए प्रतिदिन के उत्पादन को 5 रुपए प्रति नग के हिसाब से मंडी में बेचे तो रोजाना 2000 रुपए की कमाई होती है, यानी महीने के 30 दिन में 60,000 रुपए की कमाई। गुलाब खिलने लगता है तो इसको सुबह के टाइम 6 से 10 बजे के बीच में इसको तोड़ाया जाता है। इसको तोड़ा करके इसको हम लोग गट्ठर बनाते हैं। एक गट्ठर 4-5 किलो का रहता है, जिसमें 1500 से 2000 फूल रहते हैं। इसको बनाकर गट्ठर मंडी ले जाते हैं, वो उसको जो है तो गाड़ी से हम लोग ले जाते हैं। पुराने पुल के बगल में मंडी लगती है,
वहीं इसको हम लोग सप्लाई करते हैं, फिर वहाँ से माली लोग इसको ले जाते हैं, अपना फुटकर बेचते हैं। यदि गुलाब मान लीजिए किसी हम कहीं चले गए हैं, गुलाब नहीं टूटा, तो ये गुलाब खराब हो जाता है, इसको शाम को भी तोड़ के गिराना पड़ता है, इसलिए डेली इसको तोड़वाना बहुत ज़रूरी है। वो जब खराब हो जाता है, कोई काम में नहीं आता है, उसको फेंकना ही पड़ता है। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। फूलों को तोड़ते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि फूल के पूरे खिलने से पहले ही उसे पौधे से अलग कर ले। अलग करने के पश्चात उसे तुरंत पानी से भरे बर्तन में रख दे, ताकि कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सके, जहां का तापमान 2 से 10 डिग्री तक होना चाहिए, जिसके बाद फूलों की ग्रेडिंग की जा सके। इसे फूलों की छटाई भी कहा जाता है। ग्रेडिंग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि फूल की डंडी रोग मुक्त हो और उस पर किसी तरह का कोई दाग न लगा हो। जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ औरतें हैं जो मालाएं बनाती हैं और साथ ही अपना मनोरंजन भी करती हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी दिनचर्या के बारे में। क्या दिनचर्या रहती है आपकी, कब आती हैं यहाँ, कब ये सारे काम शुरू होते हैं, घर के काम और यहाँ को कैसे आप एक दोनों के बीच में संतुलन कैसे बनाते हैं? देखिए, सुबह 4 बजे उठते हैं, उसमें हम लोग अपना घर के काम निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ आते हैं 6 बजे। 6 बजे अपना सब लोग आते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, फूल भी तोड़ते हैं, उसके साथ कभी कभी मांग हो जाती है, माला भी घूमते हैं, घूम के उसको पहुँचाते हैं। जी, मालाएं रोज, ये मालाएं रोज घूई जाती हैं? नहीं नहीं, जब डिमांड होता है, कभी कभी मांग पड़ती सीजन है, तो से सीजन मांग होता है। हाँ, मांग। हम आ गए हैं राजू लाल पटेल जी के घर में और इनके घर के बगल में एक बहुत ही भव्य शिव मंदिर है। तो चलिए पहले मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर चलते हैं इनके घर। दोस्तों, हम आ गए हैं राजू पटेल जी के घर में, तो आइए चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि गुलाब की खेती करके उनका घरेलू जीवन कैसा बीत रहा है। राजू जी, आप लगभग 15 साल से इस फील्ड में हैं, आपको 15 साल हो गए गुलाब की खेती करते हुए, तो ये कैसा सफर रहा जरा हमें बताइए। मैम, 15 साल के खेती में गुलाब से जो हमको मनी प्राप्त हुआ है, 2 बहन की शादी हुई है, 1 ट्रैक्टर लिए हैं, ये मकान बना हुआ है और बच्चों को परवरिश इसी आय में हो रहा है, जिससे हमारा जीवन खुशहाल चल रहा है। भी कर रहे हैं आप उनके जी, फ्यूचर के लिए? जी, फ्यूचर के लिए कुछ जो बचत धन है उसको रख रहे हैं। क्या क्या ड्रीम्स हैं बच्चों के, क्या बनना चाहते हैं बच्चे बड़े होके, कुछ शेयर करते हैं आपसे कभी? बच्चे करते हैं? बड़ी बिटिया जो है तो शेयर करती है, हम पापा डॉक्टर बनेंगे। अब बेटा बोलता है जो है, तो हम एक्टर बनेंगे और नहीं तो इंजीनियर बनेंगे। पापा की मदद करवाएंगे कि नहीं? पापा इतनी तरक्की कर रहे हैं, पापा के साथ हाथ नहीं बटाएंगे? बच्चे हैं, अब उनकी सोच है, आगे मदद करते हैं या नहीं करेंगे, अपने तरीके से उसमें योगदान कर सकते हैं। इनके बच्चों में भी काफी जुनून है, जो अपने पिता का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हैं और उन्हें हर तरह से सहयोग करते हैं। गुलाब की खेती से इन्होंने घर बनवाया, गाय खरीदी, वाहन खरीदा और बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं।
मैं अपने पापा की मदद करती हूँ, सुबह सारा काम भी कर लेती हूँ, और सुबह पापा जब खेत जाने लगते हैं तो मैं उनको चाय और हलवा नाश्ते में देती हूँ। कई बार जब राजू पटेल घर पर नहीं होते तो इनकी पत्नी ये सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं और मार्केट तक इन फूलों को बिक्री के लिए पहुंचाती हैं। मड़कैनी गांव की कई महिलाएं राजू लाल पटेल के साथ जुड़कर अपना और बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर महिलाएं अपने बच्चों को भी लेकर आई हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो आइए उनसे जानते हैं कि कैसे वो मैनेज करती हैं इन दोनों चीज़ों को। तो मैम, आप बच्चों को भी लेके आई हैं, तो कैसा होता है, मतलब छोड़ के तो आ नहीं सकते, लेके आती हैं तो कैसे मैनेज करती हैं? आप समझ सकती हैं मैम, बच्चों के साथ तो बहुत प्रॉब्लम होती है लेके साथ साथ काम करना, लेकिन अब घर के काम के साथ इसको भी करना जरूरी है। अब पार्ट टाइम में हम लोग इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा इससे पैसे आमदनी हो जाती है, जिससे हम लोग का मतलब घर बैठने से कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं तो टाइम पास भी हो जाता है, पैसे भी मिल जाते हैं, जिससे अपना कुछ खर्च निकल आता है। फूल की तुड़ाई करने के लिए इन्होंने कई मजदूर रख रखे हैं जो इनका हाथ बटाते हैं और सुबह सुबह आके इनकी मदद करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। कई युवा यहाँ जुड़कर और कमाई करके अपनी शिक्षा भी पूरी कर रहे हैं। महिलाएं जहाँ अपने को सशक्त बना रही हैं, वहीं साथ साथ खेत में अपना मनोरंजन भी कर रही हैं और अपने कार्य को अंजाम दे रही हैं। गुलाब को कट फ्लावर, गुलाब जल, गुलाब तेल, गुलकंद, इन सब के लिए उगाया जाता है। फूलों के हाट में गुलाब के गजरे खूब बिकते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों और शक्कर से गुलकंद बनाया जाता है। गुलाब जल और गुलाब इत्र के कुटीर उद्योग चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कन्नौज, जौनपुर जैसे जिलों में गुलाब के उत्पाद की उद्योग शाला चलती है। दक्षिण भारत में भी गुलाब के फूलों का खूब व्यापार होता है। मंदिरों, मंडपों, समारोहों, पूजा स्थलों में गुलाब के फूलों की भारी खपत होती है। गुलाब की खेती कर राजू लाल पटेल काफी मुनाफा कमा रहे हैं। ये खेती 4 महीने में फूल देना शुरू कर देती है और पूरे साल फूल देती है। प्रयागराज का नैनी क्षेत्र कभी शराब के भट्टे के लिए जाना जाता था, मगर अब यहाँ गुलाब की खेती कर राजू लाल पटेल ने इसे गुलाबों से गुलजार कर दिया है, जिस कारण अब काफी किसानों ने गुलाब के फूलों की खेती करना शुरू कर दिया है।